हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, अगर आ, आ, ये इलेक्ट्रो स्टेट के जनवरी वाला सलूशन है और इसके बाद जो अप्रैल वाला भी अपलोड करूँगा, और ये सारा जनवरी और अप्रैल पूरा एक ही प्लेलिस्ट में रहेगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को प्लेलिस्ट सर्च करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि नंबर ऑफ प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको डायरेक्ट हमारे नाम से डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उस नाम से डायरेक्ट सर्च करो यूट्यूब में, तो वहाँ से डायरेक्ट दिखने लगेगा। सर्च बॉक्स में यूट्यूब पे जाओ और ऊपर सर्च कर दो, ठीक है। तो कहता है स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का स्ट्रीम है, और क्यू अपान एम की वैल्यू दिया हुआ है। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू अपान एम, और वेलोसिटी 3×10^7 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिया है। डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव आई एक्सिस में है, इतना बोल्ड में है। एग्जिस्ट इन ए रीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसे 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 10 सेंटीमीटर, 10×10^-2 मीटर, इतने मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, और उसकी डायरेक्शन ऐसे है, वर्टिकली अपवार्ड ऊपर की डायरेक्शन में है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है, बोला गया है। 1.8 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, 1.8 जे कैप ऊपर की डायरेक्शन में है। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वाई एक्सिस, स्ट्रीम ऑफ मतलब वाई एक्सिस जो है ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऐसे लिए एक्स लिया गया है, वाई एक्सिस लिया गया है, ठीक है। तो वाई, चलो मान लेते हैं यहाँ से अगर मैं चार्ज पार्टिकल को छोड़ता हूँ, ये जो पॉइंट है वो यहाँ से मैं इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से छोड़ता हूँ, ठीक है ना। ये विद वेलोसिटी वी नॉट रिफ्लेक्टेड बाई, अगर इतनी वेलोसिटी से मैं छोड़ा हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे सीधा चला जाएगा क्या? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये सीधे पाथ पे तो नहीं जाएगा ना ऐसे, ठीक है। न्यूट्रल होता तो ऐसे जाता, तो ये पॉजिटिवली प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ऊपर से नीचे है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये प्लस है और इधर निगेटिव प्लेट होगा, ठीक है ना, इधर निगेटिव प्लेट होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसी हैं, और ये प्लस प्लेट होगा इधर, ठीक है ना, तभी तो प्लस से निकल के माइनस को जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें। तो ये एक्चुअली जब एग्जिट होगा तो ऐसे पैराबोलिक पाथ इस टाइप से पाथ पे फॉलो करेगा टू, ठीक है। क्योंकि पैराबोलिक में क्यों कह दिया, क्योंकि एक कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है, तो जब कॉन्स्टेंट फोर्स लगता है किसी भी पार्टिकल पे और टू डायमेंशनल मोशन करता है, उसका पाथ पैराबोलिक होता है, प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल वाला आप पढ़े हो ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, तो ये बेसिकली ये वाली जो वाई एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट वाई है, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर अगर तुम देखोगे इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, तो यहाँ टू डायमेंशनल मोशन है, यहाँ पर जो देखोगे तो टाइम जब जीरो था तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस में कितनी थी, जीरो थी, और वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस में वी नॉट था जो कि दिया हुआ है, और ये वेलोसिटी वाई एक्सिस में जीरो थी लेकिन एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी थी वो थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इसके बाद दोनों डायमेंशन वाई में और एक्स में दो दो वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी कुछ टाइम बाद, ठीक है ना, ऐसे वाला। तो बेसिकली क्या है प्रॉब्लम भाई, टू डायमेंशनल मोशन का प्रॉब्लम है, नेट वेलोसिटी इधर होगा, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वाई निकालना है तो मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूँ किधर, वाई एक्सिस के लिए। तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस के लिए लगाता हूँ तो वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस में जीरो था और हाफ एक्सेलेरेशन इन वाई एक्सिस टाइम टी का स्क्वायर। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस चाहिए तो मुझे एक्स वाई एक्सिस का एक्सेलेरेशन और टाइम जो कि टू डायमेंशनल मोशन में सेम होता है एक्स में और वाई में, ठीक है, मतलब इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक एक्स में जान डिस्प्लेसमेंट में और वाई में डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम सेम लगा होगा, मतलब ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने में डिस्प्लेस होने में, ठीक है ना, जो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डिस्प्लेसमेंट का टाइम और एक्स जो लेंथ है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू दी इस डिस्प्लेसमेंट का टाइम सेम होता है टू डायमेंशनल मोशन में, ठीक है ना। तो चलो अब सबसे पहले मेरा टारगेट है एक्सलेशन और टाइम निकालना और पुट इन। तो एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एक्सलेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। तो हम सबको पता है एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक्स एक्सिस में एक्सलेशन जीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस में फोर्स जीरो है,
तो ये जो एक्सलेशन आएगा वाई एक्सिस में आएगा, तो वाई एक्सिस में फोर्स की हुई चार्ज पार्टिकल पे और मास एम। तो यहाँ से तुम देखोगे क्यू की वैल्यू 2 × 10⁻¹ क्यू अपॉन एम की वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1.8 kV भाई 10³। ठीक है 1000। तो ये फाइनली जब कैलकुलेट करोगे तो ये 36 × 10³³ ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज एक्सलेशन इन वाई एक्सिस। तो ये वाली जो चीज़ है वो बेसिकली प्यारे बच्चों वाई एक्सिस में एक्सलेशन एग्जिस्ट कर गया। तो अगर वाई एक्सिस में एक्सलेशन एग्जिस्ट इतना कर गया तो तुम देखो अब हमारा टारगेट है टाइम निकालना। तो टाइम जो है मैं एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट से निकाल लेता हूँ, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, इसको मैं लगा देता हूँ एक्स एक्सिस में। जब चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस में गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट 12 × 10⁻²² हुआ है, और कितनी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस में वेलोसिटी 3 × 10⁻⁴ से रिलीज किया गया था। तो ये जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 10⁻³⁸/3। तो दिस इज द टाइम 10 × 10⁻¹। अब डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस देखोगे तो वाई की वैल्यू हाफ एक्सलेशन इन वाई एक्सिस जो कि 36 × 10³³ है, और टाइम टी मतलब 8 − 8/3 का होल का स्क्वायर है। तो यहाँ से हम देखोगे तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस तुम देखोगे तो 1/2 × 36 = 10³³ और आ जाएगा 10⁻¹⁹ ठीक ना। तो ये 18 times ये कट जाएगा और ये 2 times कट जाएगा। ठीक है तो ये बेसिकली वाई इज इक्वल टू 2 और ये 10⁻³ मतलब ये आ जाएगा 2 mm। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो।